हेलो गाइस, पहाड़ी की तरह आप सबका स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ अपने गांव। हमारे गांव का नाम है कटपानी। यहाँ हो रहा है मौसम का मस्त। देखिए क्या हवा चल रही है। और ये हमारी चाची है बैठी हुई, मैं आपसे बात कराता हूँ। क्या बना रहे? ये खुश हो रही है बहुत ज्यादा। खुश है। और कैसे लगा आपको? खुश तो नहीं, मैं ऐसा ही। और यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। क्या बोलूं भाई, ये बहुत कंफ्यूज हो रही है कि क्या बोलूं ऐसे बोल रही है। इनका मतलब है क्या बोलूं मैं? ये तो भागने के निकल गई है, देखो पतली गली से। इनको मैं केपी बोलता हूँ। नहीं देखो हाय कर रही है अभी। ये कह रहे हमारे बच्चों को भी लो, मैं अपने बच्चों को लेके दिखाता हूँ। ये देखो पूंछ हिला रहा है लौंडा मस्त। और गाइस मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है बिना अपने दादा दादी के। ये देखो मैं आपको अपना दादा दादी का रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे कितनी शांति हो रही है। ये देखो यहाँ हमारे दादा की चेयर लगी रहती थी पहले, अब वो गायब हो चुकी है। अब दादी की चेयर रखी है। एक लग रहा है अजीब सा लग रहा है बिना दादा दादी के। ना पहले जब भी हम गांव पहुंचते थे तो दादा दादी हमारे वेट करते रहते कब आएंगे। हमेशा उनके रास्ते में ही रहती थी कि कब वो आएंगे सामने से। और दादी हमारे थाड़ में घूमती रहती थी यहाँ पे कि कब आएंगे। बट अब थोड़ा जब हम आए अजीब सा लगा। पिछले मलखवाल से आवाज लगा रहे हैं भाजी। देखो आपका आवाज आ रही होगी इनकी भाई लगाने की। हाँ ओ ये गढ़वाली बोल रहे खाना खाना हुआ। मैंने भी उन्हें गढ़वाली में इशारा कर दिया। ओ और चाची कुछ कहना चाहेंगे? चाची कुछ कहने उत्सुक हो रही है। कुछ नहीं बोला यार मैं। ये हमारा थॉर है, इसका नाम हमने थॉर करा हुआ है। बट ये लिमची हो गया है अब। देखो ये पूंछ हिलाता रहता है बस। या देख कोई ना कोई मेरे को अपना ही होगा। ये हमारी चाची टंटेडी खड़ी हो रही है बिल्कुल। ये बहुत ही बेकार है। शर्म आ रही है इनको वीडियो में। कह रहे मिल क्या बढ़िया चले। और हमारे दादा दादी फोटो लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस अब आप लोग यहीं पाए जाएंगे हो और हमें भी। ना पहले यहाँ पे दादा की चेयर लगी रहती थी। ये इसमें बैठ के दादा ओएस ग्लूकोज टी के बिस्किट सब इंजॉय करते थे। जब मैं मैगी बनाता था तो क्या देते, मी खड़ी है कटोर दे दे। तो बस ये देखो चाची हमारी नाती नहीं है हफ्ते बस अपने सर में खुजी करती रहती हैं। बस गांव की कहानी यही है। ये नहाने पानी से परहेज करते हैं बिल्कुल। ये बहुत झूठ बना और कहते हैं कि पानी नहीं आता। पर ऐसे बिल्कुल झूठ है। हमारे गांव में सरकारी नल भी लगे हुए हैं, प्लस हमारा जो पंदेरों के जो पानी आता है नेचुरल, बहुत स्टोरेज है उसकी। बट फिर भी गांव में लोग आलस के तौर पे बोलते हैं कि पानी नीचे हमारी एक पानी नीचे रही ना हम। बट ये बिल्कुल झूठ है। ये देखो कितना तकड़े बने रहते हैं लोग। ये देखो ये हमारी चाची है, बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है पर फिर भी ये तकड़े बने रहते हैं बिल्कुल। ये देखो बाकी आप लोग देख के खुद ही बता भी देंगे तरकने बने नहीं बने, ठीक है। और ये मुझे बोलती रहती है बेजित कानू। बट ये देखो अभी भी लगी हुई रेडियो चालू है बोलने में। बट इट्स ट्रू, यही सच है, कड़वा सच है। ये झूठ है नहीं, ये इनकी नजरों में ये झूठ है। बट ऐसा कुछ नहीं है,
बहुत झूठ बोलो। देखो महेश बहुत झूठ बोलो। कोई कहता है महेश सत्यवादी हरिश्चंद्र है और कोई कहते है कि महेश बिल्कुल झूठ है। अब किसकी माने हम बताओ, इनके माने किसके? तो नहीं घर के तो बहुत में यहाँ की तो नेचुरल यहाँ क्लाइमेट यहाँ का नेचुरल हवा। हाँ अच्छा आ रहा हूँ, वो देखो मेरे को चाचा ने भी दहाई लगा दी वहां से।